धूप पड़े धरती तपे और उड़े कसुमल रेत, पैदल चालो बाबू भरतरी जी के लिखा विधाता लेख। अरे हो बोड़े असवार भरतरी बियावान में बट गया, बन अंदर एक तप महात्मा देव भरतरी डट गया जी, देव भरतरी डट गया। हो बोड़े असवार भरतरी बियावान में बट गया, बन अंदर एक तप घोड़े सवार भरतरी बियावान में बट गया, बन अंदर एक तप महात्मा देव भरतरी डट गया जी, देव भरतरी डट गया, देव भरतरी डट गया रे भाई, देव भरतरी डट गया, बन अंदर एक तप महात्मा देव भरतरी डट गया जी, देख भरतरी डट गया जी भाई, देख भरतरी डट गया, बन अंदर एक तप महात्मा देख भरतरी डट गया जी, देख भरतरी डट गया। अरे घोड़े पे से तुरंत कूद के चरणों शीश निवाया, आशीर्वाद दी साधु ने आसन पर बैठाया जी, आसन पर बैठाया, आशीर्वाद दी साधु ने आसन पे बैठाया जी, आसन पे बैठाया, बड़े प्रेम से जाए कुटरिया से एक इस फल को तू खा ले रे राजा, अमर हो ही तेरी काया जी, अमर हो ही तेरी काया, अरे इस फल को तू खा ले रे राजा, अमर हो ही तेरी काया जी, अमर हो ही तेरी काया। राजा ने ले लिया अमर फल तुरंत जेब में पट गया, बतायो घोड़े पे देखो भरतरी महाराज को भजन से ध्यान लगा सुनवा की बात से, घोड़े पे से तुरंत कूद के चरणों शीश निवाया, आशीर्वाद दी साधु ने आसन पर बैठाया,
बड़े प्रेम से जाए कुटरिया से एक अमर फल लाया, इस फल को तू खा ले रे राजा, अमर होई तेरी काया। राजा ने ले लिया अमर फल, तुरंत जेब में पट गया, बन अंदर एक तपे महात्मा देख भरतरी डट गया। तो राजा भरतरी एक जंगल के मायने शिकार खेल बन जाए जा, तो गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन होगा। गुरु गोरखनाथ जी का दूना को ऊपर चले गो, गुरु गोरखनाथ जी साक्षात शंकर भगवान की देह जी राजा भर्तरी ने देख और आसन को ऊपर बैठा लियो। बीका रंग रूप और बीका शरीर ने और बीकी राजाओ बागा कारण से गोरखनाथ जी कुटिया में से जा और अमर फल लिया राजा भर्तरी ने दे दी कि राजा तू राजा से और प्रजा को पालन करवाड़ो से दया मान दे जायो, अमर फल ले जा, ये अमर फल न खा लीजिए सदा के लिए तू अमर हो जा। राजा भर्तरी विचार लगायो के यार आपा अमर फल न खार कहीं करा ला। राजा भर्तरी के रानी पिंगला, राजा भर्तरी की रानी पिंगला राजा भर्तरी के प्राणासु भी प्यारी जी। तो राजा भर्तरी अमर फल ने खायो कोनी, भी की रानी ने ले जार दे दियो के जा अपनी रानी अमर हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए। तो राजा भर्तरी अमर फल ने खायो कोनी, रानी पिंगला ने दे दियो ले जा। पण देखो रानी पिंगला के राजा भर्तरी के तो प्राणासु प्यारी रानी पिंगला ची, पण पिंगला के प्राणासु प्यारो जो भी कोई एक नौकर, तो राण पिंगला भी अमर फल ने कौन खाए भी नौकर ने दे दी ले जा। अरे राजीव के चलिया भरतरी रंग महलों में आया, रानी को दे दिया अमर फल, गुण इसका बतलाया जी, गुण इसका बतलाया। अरे राजीव उसको जा दिखलाया जी, उसको जा दिखलाया। अरे निर्भागण रानी ने भी वो नहीं अमर फल खाया, ओ छोरे जाकर सीखा प्रेम मोहब्बत, जा उसको दिखलाया जी, जा उसको दिखलाया। अरे जाकर ने ले लिया अमर फल, प्रेम जिगर में खट गया, एक बार तेरी डट गया। अरे सागर ने ले लिया अमर फल, प्रेम जिगर में खट गया, ओ छोरे एक तपे महात्मा, एक बार तेरी डट गया जी, एक बार तेरी डट गया। अरे हो कोड़े से वार पर तेरी या मान में भट गया, बना अंदर एक तपे महात्मा, एक बार भरतरी रंग महलों में आया, रानी को दे दिया अमर फल, गुणिस का बतलाया। निर्भागण रानी ने भी वो नहीं अमर फल खाया, चाकर से था प्रेम मोहब्बत उसको जा दिखलाया। चाकर ने ले लिया अमर फल, प्रेम जिगर में कट गया, बन अंदर एक तपे महात्मा देख भरतरी डट गया। तो देखो राजा भरतरी के जीव सु भी प्यारी सी रानी पिंगड़ा, पण रानी पिंगला के जीव सु प्यारो जो भी कोई एक नौकर, तो राजा भर्तरी तो रानी पिंगला ने दे दियो, पण रानी पिंगला अमर फल ने ले जार भी का नौकर ने दे दियो। तो नौकर के भी जीव सु प्यारी कुण छी, एक नगरी की वेश्या छी, तो भी नगरी की वेश्या ने ले जार वो नौकर वो अमर फल दे दियो। कज आप कहीं घर करा ला ये अमर फल नहीं, वेश्या ने दे देंगे तो बढ़िया काम हो जाए। वैसे अमर फल ने ले
और अब मन में सोच विचार करी जगह जरान आपा अमर फल न खार गाय कराला अपन तो काम ही आन को जे आपा तो ये अमर फल न राजा भर्तरी ने दे दिया तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। राजा भर्तरी दयावान जे राजा जे प्रजा को पालन करवाड़ो जे तो अयान का विद्वान न दे देनो चाहे जे अमर फल। तो साहब राजा भर्तरी तो गुरु गोरखनाथ जी दियो और राजा भर्तरी रानी पिंगड़ा दे दियो रानी पिंगड़ा नौकर ने दे दियो अरवा नौकर ले जा अर वेश्या दे दियो। वेश्या मन में विचार करी के जरा ना पाई कहीं कराला तो बा अमर फण ले अर राजा भर्तरी ने दे दियो वापिस। राजा भर्तरी भी अमर फण देख रहा क्या लाल होगी रे कहे आपा ने गोरखनाथ जी दियो छो और आपा अपनी रानी पिंगड़ा ने दियो छो अमर फण पड़ी वेश्या के खटिया सो आयो तो देखो काई बात बोले अरे उसी शेर की एक कनिका से छींचा कर की यारी उसी शेर की एक कनिका से छींचा कर की यारी उसको जाते दिया अमर फल हीरानी से प्यारी जी हीरानी से प्यारी रे उसी शेर की एक गली का से पीछा कर की यारी उसको जा दे दिया अमर फल हीरानी से प्यारी जी हीरानी से प्यारी काई का जवाब वेश्या अरे अमर होई के क्या करना वा कनिका बात बिचारी राजा को दे दिया अमर फल खा इसको तबदारी जी खा इसको तबदारी अरे अमर होई के क्या करना वा कनिका बात बिचारी राजा को दे दिया अमर फल खा इसको तबदारी तुरंत लिया पहचान अमर पड़े तुरंत लिया पहचान अमर पड़े होठ भूख का छिट गया पन अंदर एक तप महात्मा देव भरतरी डट गया जी विवेशन ले जार दे दियो अमर फल उसी शेर की एक कनिका से छी चाकर की यारी उसको जा दे दिया अमर फल थी रानी सु प्यारी अमर होय के क्या करना वा कनिका बात बिचारी राजा को दे दिया अमर फल खाई इसको तपदारी तुरंत लिया पहचान अमर फल होठ भूप का चिट गया बन अंदर एक तपे महात्मा देख भरतरी डट गया। तो राजा भर्तरी अमर फल ने पहचान लियो और तन बदन में आग लागी रे राण वेश्या थार घनियो अमर फल कटिया सो। तो साहब राजा भर्तरी एक डंडो लूठा और वेश्या की पिटाई करवा लागी जल्दी सु जल्दी बता कहियो अमर फल कटिया सो।
तो वैसा घबरा वाला आगे थर 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 दूज वाला आगे वैसा देख करके जे महाराज जी के मान मारी कोई गलती को ने न तो मैं था कोई चोरी करी न कोई डाको दियो मन तो यो अमर फल था को नौकरी लियार दियो तो साहब खट राजा भर्तरी अमरपुरी भर्तरी ने भी खैच और दरबार में बुला लियो। राजा भर्तरी भी नौकर ने भी दरबार में बुला लियो। राजा भर्तरी नौकर ने देख करके जब बता रहे तू खटा सुनायो अमर पर कहे महाराज मैं भी कोई चोरी डाको कोन दियो था का मेल गमाए तो कहे महाराज मन तो था कि रानी पिंगड़ा दियो जो अमर पर अति गत है। राजा भर्तरी के जिया कोई घर का किवाड़ खोलांग जिया हृदय का किवाड़ खोला अरे कहे साला आप तो अपना जीव से भी प्यारी समझा था रानी पिंगड़ा और आप भी कौन खायो अमर फल ने और आप अपनी रानी ने दियो जो कि अमर हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए और देखो रान पुण्य छोपियो जी अमर फल तो राजा भर्तरी सब आपका भी दंड फंदन राजपाल ने छोड़ और अब मन में विचार कर रहे हो जे कि जी रानी ने आपा खुद की यानी अपनी घर की लुगाई है अपनी कौन तो संसार अपनो कदो तो भी सब कुछ न छोड़ छाड़ राजपाट ने और गुरु गोरखनाथ जी के चरण शरणागमन चले। गुरु गोरखनाथ जी जार देख करके जे महाराज इस संसार ने मैं देख लियो इस संसार का मान कोई भी कोई को नहीं प्रेम जने जो झूठ हो जाए तो गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तरी ने आपको चेलो बना दिया। तो देखो ये कमाई ने आ सारी माया चेक जो गोरखनाथ जी की जी क्योंकि गोरखनाथ जी एक राजा भर्तरी ने ज्ञान उत्पन्न करावा था नहीं एक यान को काम करियो बट इन भी नौकर की भी कोई गलती कौन सी रानी पिंगड़ा नौकर ने भी कोई गलत समझ अमर फल कौन दियो जो रानी पिंगड़ा नौकर ने आपका बेटा के समान ही समझे जी कारण सु बिन वो अमर फल दे दियो कि आप ओ खा ले तो बढ़िया काम हो जाए। तो मैं तो भाई साजी जो शब्द की लागता है सब कुछ ना छोड़ चलेगा आजकल कोई लुगाइया भी कर ले कोई ना बाबा दो चार गद को सा पट्टी दे भैया को भैया काम का अरे क्रोधित हो के राजा बोलिया अमर फल कित सुन लियाई कनिका सोची जान का खतरा सारी बात बताई जी सारी बात बताई एक रोज हो के राजा बोला कनिका सोची जान का खतरा सारी बात बताई जी सारी बात बताई अरे चाकर ने दिया भेद खोल चाकर ने दिया भेद खोल जब होबा लगी पिताई हरि नारायण शर्मा खेता बात समझ में आई जी बात समझ में आई चाकर ने दिया भेद खोल जब होबा लगी पिताई ओ छोरे हरि नारायण शर्मा खेता बात समझ में आई जी बात समझ में उपजा ज्ञान भजन में ला गया बैरागी हो भट गया पन अंदर एक तप महात्मा देख भरतरी डट गया जी देख भरतरी